हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? अभी अभी ना केदारनाथ से मेरे बेटे का वीडियो कॉल आया था। आज वहाँ से नेटवर्क चालू हो गया है कि, और बोल रहा था कि अभी मौसम यहाँ तभी बदल रहा है, तभी धूप लग रही, तभी मतलब ऐसा हो रहा है कि रेस्क्यू जो काम चल रहा है उसमें बाधा आ रही है, तभी मौसम ख़राब हो रहा है। तो इसलिए उसने बोला कि अभी प्रशासन ये बोल रहा है कि जो यात्री हैं, जो वहाँ यात्री जा रखे हैं, फिलहाल उनको रेस्क्यू किया जा रहा है, और लोकल लोग तो पैदल भी जा सकते हैं और उनको बाद में देख लेंगे। ऐसा भी नहीं है कि सब लोग जा सकते हैं लोकल। जैसे मेरा बेटा है, वो पहली बार वहाँ गया है अभी, तो उसको रास्तों का कुछ पता नहीं है। वैसे ही और बच्चे भी कितने होंगे जिनको मतलब ऐसा कुछ पता नहीं होगा रास्तों का। तो प्रशासन से निवेदन है कि हमारे बच्चों को भी रेस्क्यू कर दिया जाए वहाँ से। जब खाली कर ही रहे हैं तो उनको भी ले मतलब रेस्क्यू कर देना वहाँ से, अगर उनको रास्तों का कुछ पता नहीं है। तो आप लोग ये वीडियो शेयर कर लेना, जैसे उन लोगों को पहुँच जाए, उन लोगों तक। हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ मैं कि वहाँ जब अभी फिलहाल तो कुछ होगा नहीं, यात्री भी नहीं जा सकते, रास्ते टूटे हुए हैं, वो नीचे भी नहीं आ सकते। तो यात्रियों को लाने के बाद उनको भी रेस्क्यू कर देना प्लीज़, क्योंकि ना कितने बच्चे ऐसे हैं कि जिनको रास्तों का कुछ पता नहीं है, पहली बार गए हैं तो उनको कुछ पता नहीं है। जिनको पता था वो तो कुछ कुछ निकल गए वहाँ से, और जिनको पता नहीं है वो वहीं रुके हुए हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि ये वीडियो आगे भी शेयर करना और उन तक पहुंचा देना, कि ज़रूर भेज देना। अभी अभी आया उसका कॉल, अभी 3:30 हो रहे हैं, तो अभी 10-15 मिनट पहले आया, 2 बजे के करीब आया होगा, कि हम ठीक है यहाँ पे, और बस यहाँ यही है कि रेस्क्यू हो रहे हैं और प्रशासन बोल रहा है पहले यात्री ठीक है, यात्रियों को भी लाना है पहले तो ठीक, बाद में इन लोगों को भी आप हमारे घर तक पहुंचा देना। इस बार तो चला गया, अगली बार से पता नहीं क्या होता है। और जिसको पता नहीं है रास्तों का उसको वैसे भी नहीं भेज सकते, क्योंकि जाल चौमासी उस तरफ से बोल रहे हैं, वहाँ बहुत दूर है, और जिनको पता नहीं है वो जा भी नहीं सकते। जंगल के रास्ते, जंगल है बीच में, तो नहीं जा सकते वो बिना देखे हुए, उन्होंने देखा नहीं है अभी वहाँ उस तरफ। तो आपसे गुजारिश है, विनती है कि हमारे बच्चों को घर तक पहुंचा दो, उनको भी प्लीज़। धन्यवाद।